हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी ज्ञान दासन। देखिए, आज तो वीडियो बनाने के लिए कुछ खास था नहीं, क्योंकि सबकी पूजा पूरी हो चुकी है। मतलब सब पूजा करवा ही रहे हैं अभी, तो सब कुछ काम अच्छे से हो चुका है और अभी बस सबकी सबका सामान 15 को पहुंचने वाला है, 15-16 को। बाकी हमने बहुत बहुत मन से पूजा की है, कोई कमी छोड़ी नहीं है, बस सारे दुश्मनों को बैंड बजानी है। मैं आपको सच्ची बोलूँ, आज सुबह सपने में मुझे एक मतलब दो दिन से ही दिख रही है। मतलब कहते हैं ना, जब हम पूजा करते हैं ना, तो माँ आयनी अमृत के साथ सच में सपने में भी एक ऐसी औरत के दर्शन करा रहे हैं जो सामने से बोलती है, मतलब केशों के पीछे पड़ी है। हमको नाम नहीं लेना है, वो अब उसके साथ जो होएगा ऊपर वाला देखेगा, क्योंकि बहुत भयानक होगा। क्योंकि कहते हैं ना, दूसरों की औलादों को छीनने भेजेंगे ना, भगवान आपके भी घर में औलादे दिए। दूसरी बार हमने पूजा बहुत अच्छी की है, सब अच्छे से हो गया है, सारा सबका काम अच्छे से हो गया है। कल किसी ने कमेंट में किया था कि माता जी परसों इंडिया में इतने लोग मरे, तुम्हारे घर पे किसी ने फ़ोन किया कि इंडिया में इतने लोग मरे। देखो, आदमी रोज़ कम से कम नहीं कुछ तो लाखों लोग जन्मते हैं, तो हज़ारों लोग मरते हैं, वो नियति है। लेकिन जो जिस तरह से महामारी से लोग मर रहे थे, उससे हमने बचाया। यहाँ ना कमेंट बॉक्स में बहुत लोग ये करते हैं, बहुत लोग होशियारी दिखाते, ये हो गया वो हो गया, एक दिन भी पूजा किए क्या कोई बैठ के, मुझे ये बताओ। हम लोग की पूरी टीम ने, देखो हमारी आंखें सूज गई है, रात को जाग जाग के सर में दर्द हो गया, मेरे पैरों में दर्द है, ऐसी हालत में भी मैं इतना पूजा कर रही हूँ। लेकिन आदमी को, मतलब कहते हैं ना, चाय की चुस्कियों को लेते समय गाली देना बड़ा मज़ा आता है, लेकिन साले माधवचोर लोग, तुम लोग भड़वे लोग, बैठ के पूजा करने नहीं आते, आता है क्या? बुरा मन लगता है अगर मुँह से गाली निकलती, लेकिन हमारे अघोरियों के मुँह से गाली तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। अरे हम लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिखाया, नहीं तो आने वाले, मेरे को लगता है पिछले साल से तो बड़ा ही काम करके दिखाया। पिछले साल भी कितना कहते ना, सब कुछ बंद था, अभी तो पूरा खुल गया, स्कूल खुल रहा है, कॉलेज खुल रहा है, सब कुछ खुल रहा है, फिर भी तुम लोगों को शर्म नहीं? किसी की मेहनत का कोई मतलब नहीं है क्या? कोई इंसान मेहनत करता है उसकी कदर नहीं है क्या? कदर करना सीखो। हमने जो किया, हमने किया नहीं, करके दिखाया, समझे? हम लोगों ने जब 20 मई से जब जिम्मेदारी ली ना, 7 दिन में कोरोना का काम खत्म करेंगे, उसके पहले 11 लाख जब किया था, ये सब कुछ हमने बगला मुखी के ही उसमें किया था। 18 तारीख से हम लोगों ने जो कमान बांधी थी, आज देखिए 18 तारीख को एक महीना होने आएगा, कोरोना चला गया है, अनलॉक हो चुका है, सब पब्लिक आराम से आ जा रही है, फिर से पूरी दुनिया नॉर्मल हो चुकी है। अब तो उल्टा लोग सीट के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, कौन बनेगा CM, कौन बनेगा PM, ऐसा गाना चल रहा है, ये सब चल रहा है, ये लोगों का खेल था, समझ में नहीं आ रहा है क्या? अभी कोई चोर अपना चेहरा पूरी तरह से सामने लाएगा क्या? हाँ, हम चोर हैं, इनकी चोरी बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। 20 तारीख तक रुको तो सही, मैं दूसरों के जैसे बकवास नहीं करती। मैंने क्या बोला, मैं जो बोलती हूँ मैं करके दिखाती हूँ, मैं लोगों के जैसे बड़ा बड़ा भाषण नहीं देती। मैंने बोला ना, 20 तारीख को भी लोगों पे बैंड बजेगी, मैं उन लोग सबको मजाक लग रहा है, देख लेना 20 तारीख बाद लोग जगह जगह से गायब हो जाएंगे, और उनको इतनी तुड़ाई होगी, थर्ड चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, इतनी थर्ड डिग्री दौड़ाई होगी ना। और उसके पहले हम, अभी तो हमारे पास समय है, अभी आज कितना तारीख है, 12, अभी 8 दिन बचा है, 8 दिन में हम लोग क्या करने वाले वो तो ऊपर वाला ही जानता है। हम लोग छोड़ो, मैं क्या करने वाली, वो तो ऊपर वाला जानता है, क्योंकि मेरी बातें भगवान के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं बहुत बेकार औरत हूँ ये मामले में। तंत्र मंत्र विद्या में हर एक चीज़ में महारत हासिल की है मैंने, मैं गारंटी बोलती हूँ, मेरे आगे कोई अगर जितना काम मैं करके दिखा रहा हूँ, मेरे जैसा कोई काम करके दिखा रहा, मैं नाम बदल दूँगी अपना, समझे? मैं दूसरों को ऐसी फ्रॉड हुई नहीं, फ्रेंकली। और सब लोग बोलते हैं ना, मेरा नाम बीना दुबे ये है, जश मेरा तलाक हो चुका है, अभी जश मैंने अपने वकील से बात किया, मैं परमानेंटली अपना नाम विद्या देवी, मेरा भी नाम असली नाम विद्या ही है। शायद देखो, हमारे में जब बच्चा पैदा होता है राशि का नाम रखते, मेरा असली नाम ही विद्या है। सबको शायद नहीं मानो, सबको बहुत उंगली रहती है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, सबकी ज़िंदगी में दखल देने का बड़ा शौक रहता है, तो मेरे दखल दे के कोई मतलब नहीं, मैं जो हूँ सामने हूँ, सच्ची हूँ, मुझे डर नहीं है। मेरे से कल किसी ने सवाल किया था कि मतलब मेरे को आदत है, किसी ने क्या कैसे पापा को भी मेरे को आदत है कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहने का, वो जब वो ड्रिंक कर लेते हो भूल जाते कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो कुछ भी बोलने लगते हैं, तो उनको क्या लगता है कि जैसे मैं उनको सब कुछ भी गिफ्ट देते तो बोलते उसके पीछे मतलब है। तो मैंने एक्चुअली क्या, उनकी गलती नहीं है ना, वो गंदे माहौल में रहकर है ना, आदमी कीचड़ में रहेगा तो कीचड़ का ही सोचेगा, ऊपर का नहीं सोचेगा। उनको ये लगता है कि हम उनको जो देते लेते उसके पीछे मतलब है। अरे उस पागल को नहीं मालूम कि मैं गंदे लोगों की जैसी गंदी नहीं हूँ कि तुम्हारे सामने एकदम त्रिय चरित्र दिखा के भोली बन के, अरे सॉरी मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसी नहीं हूँ मैं, तो गंदी भी हूँ तो तुम्हारे सामने हूँ, अच्छी भी हूँ तो तुम्हारे सामने, तो पूरी खुली किताब हूँ। प्यार किया है, यहाँ से किया है, यहाँ पे लाया है, यहाँ से करके यहाँ नहीं। मैंने कल उनको यही समझाया, जो दिमाग से प्यार करते ना वही सारे चोर होते हैं, लेकिन उनकी गलती नहीं है,
वो बेवफा धोखेबाजों के बीच में रह चुके हैं ना, उनको क्या पता चलेगा बताओ? उनको नहीं पता चलेगा, एक औरत की सच्चाई नहीं पता चलेगी, क्योंकि उनको कभी सच्चा प्यार ना किसी ने किया है ना करेंगे, सब मतलब से हैं। शादी में भी ये चलो झक मार के आएगा बैठेगा और क्या करेगा, सबको घर में मालूम है, दिन भर कहीं भी घर का कुत्ता है कहीं भी जाएगा घूम के वापस मूतने को इधर ही आएगा, वो हाल उधर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे वो घर है, ये बात उनको समझ में नहीं आता है। विद्या, और एक और बात, कितने लोग विद्या देवी का हिस्ट्री जानना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। पास्ट से इंसान का कभी कोई, पास्ट सबका गंदा होता है, प्रेजेंट मायने रखता है। आज प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट आदमी को हिला देता है। प्रेजेंट विद्या देवी का ये है कि विद्या देवी के पास इतना सब कुछ है ना कि तुम जैसों की हस्ती मिटा सकती, इतनी ताकत है विद्या देवी में। पास्ट छोड़ दो, पास्ट तो हमारे माँ बाप की वजह से ही बिगड़ा था, लेकिन प्रेजेंट बनाने वाली विद्या देवी, मैंने कभी मेरे नसीब में नहीं लिखा था मैं तांत्रिक हूँ ये हूँ, तो मेरा पिछला मत पता करो क्या करती थी क्या है वो। देखो प्रेजेंट जब हम लोगों, जिन लोगों का हम सच सामने ला रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता कि प्रेजेंट हम किनका सामने ला रहे हैं, मालूम है? जो लोग गलत कर रहे हैं आज, जिनको केशव पापा अच्छा समझ उनकी भी सच्चाई हम सामने ला रहे हैं, देखो उनका प्रेजेंट हम बता रहे हैं, ये बातें होती हैं। तो हमारे कुछ नहीं, अभी देखो हाँ जस्ट आज हमारा कविता रेणुका से बात हो रहा था, वट सावित्री आ रही, वट पूर्णिमा आ रही है, तो मुझे मेरी फ्रेंड की बातें याद आ गई। बहुत साल पहले हम लोग जब ऐसी फ्रेंड लोग कभी घूमने उमने जाते थे ना सब सहेलियाँ, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो ना पूरे साल अपने पति को देखती भी नहीं थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था ना, तो देखती भी नहीं थी, लेकिन वट सावित्री या ऐसा कोई त्यौहार आता था ना करवा चौथ, तो बहुत मेहंदी वेहंदी लगा के मस्त तैयार हुई। क्योंकि मैं उसको बोलती थी कमी नहीं, तो एक बात बता, तू तो अपने पति को एक आँख भी नहीं भाती है, तो उसके लिए तैयार होती है, तो बोलते अरे पागल ये जो व्रत रहते हैं ना, ये जो मंगलसूत्र है ना हमारे लिए कुत्ते का पट्टा है, हमारे बता रही मैं, वो बोलती थी कुत्ते का पट्टा है, हम लोग अपने पति के नाम का कुत्ते का पट्टा बांधते गले में, और बॉयफ्रेंड तो है, पति तो चला जाता है काम पे, उसके सामने उस दिन तैयार व्यार होकर उसकी पैर वैर पड़ लेते एकदम उसके सामने, एकदम उसकी कि हाँ बस मैं तुम्हारी और किसी के नहीं। पति जाने के बाद फिर बॉयफ्रेंड को फ़ोन लग जाता है, तो मैंने तूने व्रत किसके लिए रखा है, तो बोलती है वो एकदम गंदी थी, हाँ वो बोलती थी अरे यार व्रत किसी के लिए नहीं रखा है, क्योंकि देखो एक जन्म में ही आदमी भारी पड़ गया तो दूसरा जन्म पागल ही कोई मांगेगा। और सात फेरे लेते, तो पहले हम लोग गाना गाते थे चिढ़ाते थे कि पति परमेश्वर के सिवा मुझे कोई वर नहीं चाहिए ना, और अब की औरतें सात राउंड लगाते समय क्या गाना गाती है मैंने वो बताती थी, मैं नहीं बोलती आपकी सा बोलती कोई गाय नहीं गाए, मैं तो यही गाती हूँ कि पति परमेश्वर के सिवा मुझे सबके वर चाहिए, मतलब जितनी घूम रही है ना सबके वर को मेरे पीछे लगा दो, ऐसे बोलती थी। मतलब ये बात सच है कि जब राउंड इज राउंड मारते हैं तो यही कहती हूँ औरतें कि पति परमेश्वर के सिवा मुझे बाकी सबके वर चाहिए, ये गाना गाती हैं। पति के सामने उस दिन बहुत सज धज के तैयार रहेंगी, भूखी प्यासी रहेंगी, तो एक तो क्या दिन साल भर तो तैयार होंगी नहीं, तो पति क्या सोचेंगे हाँ मेरे लिए व्रत रखा है। लेकिन आपको पतियों का भी बताती हूँ, कुछ कुछ पति तो बड़े खुश हो जाते हैं और कुछ कुछ पति बोलते हैं क्या वो हमारे में, मेरे को तो मराठी बोलने आती नहीं है, तो वो ऐसा सर पीटेगा एक जन्म और का इसको इसके साथ निकालना पड़ेगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से काय हो, मतलब इसके साथ निकालो मेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा। मतलब एक एक आदमी तो जब वो व्रत रखती है तो उनको गुस्सा आता है, अरे यार इसको और एक साल झेलना पड़ेगा, अरे बाबा जा दूसरे को आने दे ऐसा। और एक एक पति तो जा बेशरम जैसा पूछ भी लेते हैं, दूसरा कोई पसंद नहीं आया क्या, मैं ही चेहरे को हर जन्म में, मेरे को तो दूसरी के पास जाने दे यार, कंटाला आ गया। मतलब ऐसी आज बारिश का मौसम है तो थोड़ा मूड, लेकिन ये सच्ची बात है। मतलब आज की तारीख में वट सावित्री पे औरतें जो मंगलसूत्र पहनती ना, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, मंगलसूत्र आज एक सजावट का सामान हो गया है, ये दिल से नहीं पहना जाता है। देखो हम भी प्यार करते हैं लेकिन हमको इसका मीनिंग नहीं है, हमारे प्यार में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ऐसी बस पी नाम का था तो मैंने पहन लिया, क्योंकि प्यार के लिए शादी करना मंगलसूत्र पहनना मायने नहीं रखते, यहाँ से प्यार होना चाहिए। अब बताओ ये वट पूर्णिमा आ रहा है, मैं तो कभी नहीं रखा पापा, क्योंकि मेरे को रखना नहीं, हमारे में तो दूसरा पूजा होता है, लेकिन फ़ायदा क्या, पीपल के पेड़ के राउंड मार के साला पीपल का पेड़ भी गाली दे रहा होगा, बताओ इनको मैं एक के साथ बांधने को देख रहा किसके साथ के बन रही है। वट सावित्री माँ सोचती होंगी कि एक वक्त था सती माँ ने अपने पति के प्राण यमराज से छीन के लाए थे, और आज की औरतें बोलती पति को मरने मत देना मंगलसूत्र चला जाएगा, तो मैं बॉयफ्रेंड से भी मिल नहीं पाऊंगी, तैयार भी नहीं पाऊंगी। और जैसे ही पति काम पे गया फोन लगा के कहो अरे क्या आहो हाँ आहो कशी दिस्से में, तो बॉयफ्रेंड भी क्या बोलेगा कितनी कमी नहीं औरतें बता, रखी है व्रत पति के लिए, पुष्टी है मेरे को कैसी दिखती है। आप बॉयफ्रेंड को भी अच्छा मत सोचो, एक एक औरतें जो मस्त बॉयफ्रेंड के लिए व्रत व्रत रखती ना, कभी पीछे से उनकी बातें सुनेगा बॉयफ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ क्या कमेंट करेंगे मालूम है, बोलेंगे साली मादरचोद जब अपनी पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी,
तो लोग बोलेंगे फिर तो इसके साथ क्यों रहता था, मज़ा मार नहीं मिल रहा है फ्री में, फ्री का सामान कोई छोड़ता है क्या, बात ख़त्म। तो समझ लो हर जगह से हम औरतों की ही बेइज्जती होती है। तो ये बात जो मैं बता रही हूँ भले मजाक में बता रही हूँ, थोड़ा समझो। आप किसी एक को प्यार करोगी ना तो पूजा जाएगा, और 10 को प्यार करोगी ना तो बहुत गंदे में गिनती होती है। मतलब आप सोचोगी कि पति के साथ रहकर बॉयफ्रेंड से भी प्यार करोगी ना, तो इतना बात समझ लो बॉयफ्रेंड आपके पीछे आपकी बहुत गंदी ही, तुमको तुम्हारी औकात को गंदी गाली देगा। भले तुम उसके लिए ईमानदार होगी, लेकिन सामने वाला क्या बोलेगा मालूम है, जो उसकी नहीं हुई मेरी क्या होगी, ऐसा ऐसा होता है। तो एक के साथ ईमानदार हो, मज़ा आएगा। वर सावित्री व्रत व्रत रखने से प्यार नहीं होता है। और अब की तारीख में तो आज की औरतें ये व्रत व्रत रख के पति के लिए करवा चौथ का भी व्रत रखती ना, आप देखना नॉर्मली पति अब ध्यान ही नहीं देते, आते ही नहीं। उनको पता है सस्ती मेरे लिए व्रत रखी, लेकिन सजी किसी और के लिए, ये बात होती है। तो बस आज शक्तियों का सम्मेलन चालू है, शक्तियाँ सब ले रहे। देखो शक्तियों ने ही सारा कमाल करके दिखाया। और जो जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, अपनी जबान संभाल के रखो, क्योंकि जबान खींचने बगला मुखी माँ बैठी हैं और हम उनका अस्त्र हैं। हम लोग आप सबको सबक सिखाने बैठे हैं बस। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो गाली देना तो बिल्कुल ना भूले। और जो अनलाइक करते ना उनके लिए, अनलाइक कौन करता है मानो, जिनको सच्ची बातें बहुत कड़वी लगती हैं। तो मुझे पता है कौन कौन अनलाइक करता है, आप समझो। मैंने वैसा सेटिंग रखा है कि मुझे पूरा पता चलता है कौन अनलाइक करता है, लेकिन हम उन पर हंसते हैं, उन पर चिढ़ते नहीं है, क्योंकि पता है ना सच कड़वा है ना, मैं सच बोलती हूँ ना, सच बातें हमेशा सबको कड़वी लगती है। तो चलो बारिश की बहुत बहुत बधाई, मस्त गरम गरम भजिए खाओ, अच्छे से रहो और थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो। जय माता दी।